सिस्टर कल्पना बहन इन्होंने हमें रिटर्न में गवाही भेजी है। ये यूएसए में रहते हैं, अमेरिका में, और इनका कहना है ये पिछले 4 साल से अपने खुद के घर के लिए प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर से मांग रहे थे कि प्रभु अमेरिका में उनको अपने खुद का घर दे। इनका कहना है उन्होंने काफी प्रयत्न किए लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था। लोन या तो जगह, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वो घर के लिए आगे न बढ़ पाए। वो कहते हैं उनके बच्चे सेम जगह रहना चाहते थे, जो जगह पर वो रहते हैं वही जगह उन्हें रहना था। वो कहते हैं उन्हें जगह नहीं छोड़नी थी क्योंकि बच्चों की स्कूल वहां से नजदीक थी, तो वो ही सिटी में, वो ही शहर में उनको खुद का घर चाहिए था। और एक खास लोन की वहां घोषणा की गई, एक विशेष लोन वहां अवेलेबल थी जो एकदम चीपेस्ट रेट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलती थी। और अगर वो लोन से वो घर लेते हैं तो बहुत ही कम दाम में उनको घर मिल सकता था। और वो जो लोन थी उसके लिए कल्पना बहन डिस्क्वालिफाइड थे, वो लोन इन्हें न मिल पाए ऐसी सिचुएशन थी। और उन्होंने इस बात के लिए फोन किया हाउस ऑफ प्रेयर में पास्टर्स को कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, अगर ये लोन मेरी हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम कम रहेगा और बहुत अच्छे दाम में मुझे अच्छा घर मिल सकता है। और उनके लिए दुआ शुरू करी गई और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने कुछ डेवलपमेंट शुरू किया और जहां से लोन मिल पाए वही एरिया में, जो एरिया लोन जो देती है बैंक उसके द्वारा अप्रूव किया गया था, वही एरिया में नए मकान बनना शुरू हुए। हालेलुया, हालेलुया। जो एरिया एलिजिबल था वो लोन के लिए, स्पेशल लोन के लिए, वहीं पर डेवलपमेंट मकान बनना शुरू हुआ। और वो कहते हैं कि वो जो जगह थी वो बच्चों के स्कूल से सिर्फ 2 मिनट के रास्ते पर थी और वे बहुत खुश हो गए। और उन्होंने फिर से परमेश्वर के दासों को फोन किया प्रभु से दुआ करवाने के लिए कि प्रभु अनुग्रह करे कि उनकी लोन पास हो जाए। और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अगला कदम उठाया और जो लोन ऑफिसर था, जिसके हाथ में लोन देने की सत्ता है, वो लोन ऑफिसर इश्यूज खड़े करने लगा। वो लोन ऑफिसर ने वो लोन देने से मना कर दिया, अगर ये लोन उन्हें नहीं मिलती तो दूसरी लोन बहुत महंगी पड़ने वाली थी और वो लोन से वो घर नहीं ले पाते। ये उनके लिए एक ही रास्ता था लेकिन वो लोन ऑफिसर जो था उसने लोन देने से मना कर दी। उन्होंने परमेश्वर के दासों को फोन किया और हमने मिलकर खुदा से दुआ करी कि परमेश्वर सारा अधिकार आपका है, आप अधिकारियों के ऊपर भी अधिकारी हो। हालेलुया, परमेश्वर आप रास्ता करिए। और हम हर बार छोटे छोटे मैसेज उनको भेजते थे, ज्यादा लंबी कोई बात नहीं होती थी, ज्यादा लंबी कोई दुआ नहीं होती थी, हम सिर्फ एक छोटा मैसेज करते, गॉड विल मेक अ वे। हमें आज भी याद है परमेश्वर रास्ता करेगा। हालेलुया। वो कहते हैं कि फिर से मैंने दुआ करवाई और जो डायरेक्टर था, जो ये जो लोन ऑफिसर था उससे भी ऊपर की पोस्ट पर था, उसने वो लोन ऑफिसर को ही चेंज कर दिया। जो इनकी लोन को रोके हुए था वो लोन ऑफिसर को ही चेंज कर दिया गया और सेम डे उनकी लोन अप्रूव हो गई। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने एक ही मंथ के भीतर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बीच में एक रुकावट आई थी, वे और एक प्रोफेटेस से दुआ करवा रहे थे और वो प्रोफेटेस ने कहा ये मकान सही नहीं है, मत जाना, ये होगा वो होगा। हमने बोला आगे बढ़ो, प्रभु ये मकान आपको देगा। वो रॉन्ग प्रोफेटेस से। और थोड़ी समय में पता चला एक्चुअली उनका उद्देश्य पैसा मांगना था। उन्होंने सामने से मांगा कि इतना $1,000 मुझे दे दो, मैं दुआ करूंगी,
और ये मकान आपके लिए रहने लायक हो जाएगा। हमने बोला ये फ्रॉड है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, उनकी मत सुनो। उन्होंने नहीं सुनी परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के दासों की बातों पर विश्वास किया, और सिर्फ एक ही महीने के अंदर ये ब्रांड न्यू घर में परमेश्वर की दया से वो शिफ्ट हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु को महिमा दीजिए। प्यारे करने वाला खुदावंत है, हम इसलिए गवाही को बताते हैं। आज जितने लोग किराए के मकान में हैं, आप विश्वास करिए, प्रभु आपके लिए द्वार खोल सकता है। जिनकी लोन पास नहीं हो रही, विश्वास करिए, प्रभु आपके लिए द्वार खोल सकता है। अधिकारियों का भी वो अधिकारी है, अधिकारियों को भी वो चेंज कर सकता है आपके लिए, आपके लिए। हालेलुया। उनके चर्च ने उनको सहायता करी सब सामान शिफ्ट करने के लिए, और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें 4 बेडरूम और 2.5 बाथरूम का ब्रांड न्यू घर दिया, जो सब अप्लायंस से, हर एक चीजों से भरा हुआ था। उसमें फ्रिज था, वॉशर था, ड्रायर था, डिश वॉशर था, माइक्रोवेव था, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं था जो उनको खुद से खरीदना पड़े। 2 कार के गैराज है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं उन्होंने थोड़े ही समय में 97 इमरलैंड ट्रीज आजू बाजू बोए, और वो कहते हैं सारा आदर मान और सम्मान मैं ऑलमाइटी परमेश्वर को देती हूँ, जिसने हमारी दुआओं को सुना और हमें प्रत्युत्तर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए प्रभु को महिमा दे, हाथों को उठाए। हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु तू पूर्ति करने वाला खुदा है। प्रभु से कहे, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू पूर्ति करता है। यहोवा की रे पूर्ति करना है, पूर्ति करना है। यहोवा ये वो खुदा है प्यारो, जो आपके लिए भी संभव नहीं है। बिलीव करिए, विश्वास करिए, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्तुति हो, स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। यीशु नाम है मेरा रहने का, भक्ति से गाओ जयगान, भक्ति से गाओ। ओ यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाओ जयगान। ताली बजा कर प्रभु को महिमा दे। आपकी महिमा बहुत कम है प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा प्रभु है। एक गवाही जो हम बोलेंगे कल्पना बहन को वो दे। आज वो इस परिस्थिति में तब पहुंचे जब कुछ साल पहले, 1.5 साल पहले जब वे जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। जॉब नहीं थी, वहीं यूएसए के पुलिस डिपार्टमेंट में प्रभु ने उनको जॉब दिलाई, और उसके आधार पर उनको आज ये घर मिला है, उनकी ये लोन पास हुई है। हालेलुया। सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। आमीन।